राजधानी जयपुर से मुख्यमंत्री आवास पर मंत्री परिषद की बैठक। आपको बता दें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में फिलहाल ये बैठक जारी है। कोरोना वायरस को लेकर अहम चर्चा इस बैठक में की जा रही है। उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, मंत्री उदयलाल आंजना, प्रताप सिंह खाचरियावास, परसादी लाल मीणा, अशोक चांदना सहित कैबिनेट राज्य मंत्री बैठक में फिलहाल मौजूद है। CSDB गुप्ता के साथ में कई आला अधिकारी भी इस बैठक में फिलहाल मौजूद है। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए वन संवाददाता पिंटू सिंह नरूका हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पिंटू, तमाम व्यवस्थाओं के मद्देनजर एक और बैठक की जा रही है, क्या इस बैठक से अहम मुद्दे और अहम प्रावधान अब निकल कर आ सकते हैं? देखिए, जिस प्रकार का कोरोना वायरस को लेकर जो हालात पूरे देश में बने और खासकर प्रदेश की बात की जाए तो भीलवाड़ा और जयपुर में जो स्थिति है, लगातार पिछले दो दिनों में जो आंकड़ा जो संक्रमित है उनका जो आंकड़ा बढ़ा है उसको लेकर अशोक गहलोत काफी चिंतित है, क्योंकि तमाम प्रयास किए जा रहे हैं स्तर पर और कहीं ना कहीं जो ये तीसरा स्टेज है यूं कह सकते हैं कोरोना वायरस का, वो एक बड़ी चुनौती है इसको रोकना, तो तमाम प्रयास सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। और इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पहली बार कोरोना वायरस को लेकर मंत्री परिषद की बैठक बुलाई है। लगातार गहलोत खुद मॉनिटरिंग करते रहे, अधिकारियों को दिशा निर्देश देते रहे, लेकिन जो एक बार पूरे जो मंत्री परिषद है उनको लेकर जो राज्य सरकार द्वारा जो कदम उठाए गए हैं इसको लेकर, उसको लेकर कहीं ना कहीं चर्चा हो रही है। और खासतौर पर अब जो स्थिति बन गई है, माना जा रहा है कि भीलवाड़ा में जो लॉकडाउन है उसको और भी सख्त किया जा सकता है, जयपुर में भी और सख्त किया जा सकता है, और इस दौरान जो स्थितियां उत्पन्न हुई है, खासतौर पर जो दोहरी चुनौती हो गई, एक कोरोना वायरस से निपटना और दूसरा जो प्रदेश के जो नागरिक है उन तक उन वस्तुओं को पहुंचाना ताकि आम जनता को परेशानी नहीं हो और कहीं ना कहीं उनको जो मूलभूत आवश्यकता की जो वस्तुएं हैं, खाने पीने की जो चीजें हैं उनके लिए उनको परेशानी नहीं हो, वो सब चीजें उपलब्ध कराना जनता के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि जनता कहीं ना कहीं अभी भी कहीं जगह लापरवाही बरतती है और मजदूरों में जो पलायन की स्थिति उत्पन्न हुई, मजदूर कहीं ना कहीं अपने आपको चिंतित महसूस करने लगे, उनको रोकना, उनकी व्यवस्था करना एक बड़ी चुनौती है। अशोक गहलोत लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और फिलहाल जो मंत्रिपरिषद में चर्चा हो रही है वो ये हो रही है कि किस प्रकार से जनता को राहत दी जाए और संक्रमण को फैलने से रोका जाए, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हो रही है। जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद पिंटू। आपको एक बार फिर से बता दें, मुख्यमंत्री आवास पर मंत्रिपरिषद की बैठक फिलहाल जारी है। एवन न्यूज में